रहे हैं थर्मल एमसीक्यू का पार्ट नंबर टू। पार्ट टू है, पार्ट वन हम इसके पहले बना चुके हैं थर्मल इंजीनियरिंग के। पार्ट टू का हमारा जो भी पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन को जानेंगे। पहला क्वेश्चन है स्पेसिफिक हीट ऑफ एयर एट कॉन्स्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू। कॉन्स्टेंट प्रेशर में स्पेसिफिक हीट ऑफ एयर क्या होता है? इसका आंसर हो जाएगा सी 0.24। स्पेसिफिक हीट ऑफ एयर में जो कॉन्स्टेंट प्रेशर होता है उसके बराबर होता है सी पी इक्वल टू होता है 0.24। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 0.24। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैरेक्टरिस्टिक गैस कॉन्स्टेंट ऑफ अ गैस इज इक्वल टू। कैरेक्टरिस्टिक गैस कॉन्स्टेंट क्या होता है? इसका आंसर हो जाएगा ये सी पी माइनस सी बी। कैरेक्टरिस्टिक गैस कॉन्स्टेंट मतलब आर आर इक्वल टू फार्मूला होता है सी पी माइनस सी बी होता है सी पी माइनस सी बी इक्वल टू आर होता है, जहां पर आर होता है कैरेक्टरिस्टिक गैस कॉन्स्टेंट, सी पी होता है कॉन्स्टेंट प्रेशर एंड सी बी होता है कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। इसका आंसर हो जाएगा सी पी माइनस सी बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द बिहेवियर ऑफ गैसेज कैन बी फुल्ली डिटरमाइंड बाय। बिहेवियर ऑफ गैसेज को किस टाइप से डिफाइन किया जा सकता है? इसका आंसर हो जाएगा डी फोर लॉज के द्वारा। चार लॉ होते हैं थर्मोडायनामिक्स के, उन चार लॉ के द्वारा हम गैस के बिहेवियर के बारे में जानते हैं। क्वेश्चन है द बिहेवियर ऑफ गैसेज कैन बी फुल्ली डिटरमाइंड बाय, इसका आंसर हो जाएगा फोर लॉज, चार लॉ के द्वारा समझा जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ टू स्पेसिफिक हीट्स ऑफ एयर इज इक्वल टू। एयर में रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट के बराबर क्या होता है? इसका आंसर हो जाएगा ये 1.41। जो स्पेसिफिक हीट का जो रेशियो होता है मतलब सी पी अपॉन सी बी बराबर होता है जो, वो होता है 1.41। एक होता है सी पी जो कॉन्स्टेंट प्रेशर होता है, एक होता है सी बी कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, इसके बराबर होता है 1.41। सी पी अपॉन सी बी इक्वल टू 1.41 होता है, इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका 1.41। नेक्स्ट क्वेश्चन है बॉयल्स लॉ पी वी इक्वल टू कॉन्स्टेंट इज एप्लीकेबल टू गैसेज अंडर। बॉयल्स लॉ जो पी वी इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है वो कब अप्लाई होता है गैस पर? इसका आंसर हो जाएगा ये ओनली स्मॉल रेंज ऑफ प्रेशर पर। प्रेशर का रेंज कम हो तब बॉयल्स लॉ का इस्तेमाल होता है। तो क्वेश्चन है बॉयल्स लॉ पी वी इक्वल टू कॉन्स्टेंट इज एप्लीकेबल टू गैसेज अंडर, आंसर हो जाएगा ओनली स्मॉल रेंज ऑफ प्रेशर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच लॉ स्टेट्स दैट द इंटरनल एनर्जी ऑफ अ गैस इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। कौन से नियम के द्वारा हम टेम्परेचर फंक्शन ऑफ टेम्परेचर में इंटरनल एनर्जी के बारे में जानते हैं गैस के? इसका आंसर हो जाएगा कि जूल्स लॉ के द्वारा। जूल्स लॉ एक ऐसा जूल्स लॉ स्टेट्स दैट द इंटरनल एनर्जी ऑफ अ गैस इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। इसमें हम टेम्परेचर के फंक्शन के बारे में जानते हैं जूल्स लॉ के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सेम वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस वुड रिप्रेजेंट एयर। सेम वैल्यू सभी गैस के लिए सेम वैल्यू उसको किस टाइप से रिप्रेजेंटेड करते हैं? इसका आंसर हो जाएगा मोलिकुलर वेट के द्वारा। द सेम वैल्यू वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेज वुड रिप्रेजेंट देयर मोलिकुलर वेट्स। अगला क्वेश्चन है विच लॉ स्टेट्स दैट द स्पेसिफिक हीट ऑफ अ गैस रिमेन्स कॉन्स्टेंट एट ऑल टेम्परेचर्स एंड प्रेशर्स। जब सभी टेम्परेचर और प्रेशर कॉन्स्टेंट हो उसमें स्पेसिफिक गैस की स्पेसिफिक हीट के लिए हम कौन से नियम के द्वारा समझते हैं? इसका आंसर हो जाएगा रेनॉल्ड्स लॉ के द्वारा। रेनॉल्ड्स लॉ स्टेट्स दैट द स्पेसिफिक हीट ऑफ अ गैस रिमेन्स कॉन्स्टेंट एट ऑल टेम्परेचर्स एंड प्रेशर्स। रेनॉल्ड्स लॉ के द्वारा स्पेसिफिक गैस ऑफ स्पेसिफिक हीट के लिए कॉन्स्टेंट सभी टेम्परेचर कॉन्स्टेंट होते हैं और सभी प्रेशर कॉन्स्टेंट होता है, इसलिए इसको हम समझेंगे रेनॉल्ड्स लॉ के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन ओपन सिस्टम इज वन इन विच। ओपन सिस्टम केवल एक क्या होता है? इसका आंसर हो जाएगा ये बोथ एनर्जी एंड मास क्रॉस द बाउंड्रीज ऑफ द सिस्टम। कोई भी सिस्टम होता है उसकी बाउंड्रीज के दोनों तरफ एनर्जी और मास को क्रॉस कर सकता है ओपन सिस्टम के द्वारा। ओपन सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जिसके द्वारा एनर्जी और मास क्रॉस कर सकता है बाउंड्रीज। एन ओपन सिस्टम इन इज वन इन विच बोथ एनर्जी एंड मास क्रॉस द बाउंड्रीज ऑफ द सिस्टम। अगला क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू विच लॉ ऑल परफेक्ट गैसेज चेंज इन वॉल्यूम बाई 1/273 ऑफ देयर ओरिजिनल वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। फॉर एवरी 1 डिग्री सेंटीग्रेड चेंज
एंड टेम्परेचर वेन प्रेशर रिमेन्स कॉन्स्टेंट। जब प्रेशर रिमेन कॉन्स्टेंट हो, और कौन से लॉ के द्वारा हम समझ सकते हैं सभी परफेक्ट गैसेस के लिए, जब वॉल्यूम आपको 1/273 ओरिजिनल वॉल्यूम दिया हो और टेम्परेचर आपको 0 डिग्री सेंटीग्रेड हो, और उसको प्रत्येक को जो बदल करके 1 डिग्री सेंटीग्रेड किया जाए, उसमें हमारे पास प्रेशर जो है कांस्टेंट रहे, तो कौन से नियम के द्वारा यह होता है? इसका आंसर हो जाएगा चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ के द्वारा इस तरीके से समझ सकते हैं, चार्ल्स लॉ अकॉर्डिंग टू विच लॉ, चार्ल्स लॉ ऑल परफेक्ट गैसेस चेंज इन वॉल्यूम बाय 1/273 अब देयर ओरिजिनल वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर एवरी 1 डिग्री सेंटीग्रेड चेंज इन टेम्परेचर व्हेन प्रेशर रिमेन्स कॉन्स्टेंट। अगला क्वेश्चन है गैसेज है गैस क्या होती हैं? आंसर हो जाएगा टू वैल्यूज ऑफ स्पेसिफिक हीट। गैस में होता है दो वैल्यू स्पेसिफिक हीट होती हैं। गैसेज है टू वैल्यूज ऑफ स्पेसिफिक हीट, इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू एवोगाड्रोज हाइपोथेसिस, एवोगाड्रोज हाइपोथेसिस के अनुसार क्या होता है? आंसर ए हो जाएगा। सबसे करेक्ट आंसर the molecular weights of all the perfect gases or copy the same volume under same conditions of pressure and temperature. Molecular weight में सभी perfect gases जो होती हैं वो same volume, same condition और same temperature और pressure में होती हैं। तो हमारे पास जो question है वह according to Avogadro's hypothesis, the molecular weights of all the perfect gases or copy the same volume under same conditions of pressure and temperature. अगला क्वेश्चन है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी ऑफ अ सिस्टम इज वन वोज वैल्यू। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी में जो सिस्टम की एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है उसमें से कौन सी एक वैल्यू डिपेंड करती है? इसका आंसर हो जाएगा ये डिपेंड्स ऑन द मास ऑफ द सिस्टम लाइक वॉल्यूम। सिस्टम के मास पर ये डिपेंड करता है, जैसे कि हम वॉल्यूम से समझ सकते हैं। क्वेश्चन है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी ऑफ अ सिस्टम इज वन वोज वैल्यू, आंसर हो जाएगा डिपेंड्स ऑन द मास ऑफ द सिस्टम लाइक वॉल्यूम। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्क डन इन अ फ्री एक्सपेंशन प्रोसेस इज, फ्री एक्सपेंशन प्रोसेस में वर्क डन क्या होता है? इसका आंसर हो जाएगा ये जीरो। फ्री एक्सपेंशन प्रोसेस में वर्क डन जीरो होता है। तो क्वेश्चन है वर्क डन इन अ फ्री एक्सपेंशन प्रोसेस इज जीरो। अगला क्वेश्चन है द स्टेटमेंट दैट मोलिकुलर वेट्स ऑफ ऑल गैसेज कॉपी द सेम वॉल्यूम इज नोन एज, कौन से नियम के द्वारा ये समझ सकते हैं कि मोलिकुलर वेट में सभी गैसेज और सभी वॉल्यूम के बारे में जानते हैं? इसका आंसर हो जाएगा एवोगाड्रोज हाइपोथेसिस के द्वारा। एवोगाड्रोज हाइपोथेसिस के स्टेटमेंट के द्वारा हम ये समझ सकते हैं कि मोलिकुलर वेट्स ऑफ ऑल गैसेज और कॉपी द सेम वॉल्यूम इज नोन एज। अगला क्वेश्चन है टू कन्वर्ट वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस टू ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस द रिलेटिव वॉल्यूम ऑफ ईच कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द फ्लू गैसेज इज, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस को ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस में कन्वर्ट करने के लिए कौन से रिलेटिव, हमारे पास जो रिलेटिव वॉल्यूम है वो कौन से गैसेज के बारे में पढ़ते हैं? इसका आंसर हो जाएगा ये मल्टीप्लाइड बाई इट्स मोलिकुलर वेट, मोलिकुलर वेट में मल्टीप्लाई जो होता है उसके द्वारा हम कन्वर्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन है टू कन्वर्ट वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस द रिलेटिव वॉल्यूम ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द फ्लू गैसेज इज मल्टीप्लाइड बाय इट्स मॉलिक्यूलर वेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ अ गैस इज हीटेड अगेंस्ट अ प्रेशर कीपिंग द वॉल्यूम कॉन्स्टेंट देन वर्क डन विल बी इक्वल टू, जब हम कोई भी गैस को अगर हीट करते हैं तो उसके प्रेशर देते हैं, प्रेशर के अकॉर्डिंग हमारे पास जो वॉल्यूम होता है वो कांस्टेंट होता है, तो इसका वर्क डन क्या होता है? इसका आंसर हो जाएगा जीरो। अगर हम कोई गैस को हीट करते हैं या प्रेशर देते हैं तो उसमें अगर कांस्टेंट वॉल्यूम हो तो उसका वर्क डन जो रहेगा वो जीरो हो जाएगा। क्वेश्चन है इफ अ गैस इज हीटेड अगेंस्ट द प्रेशर कीपिंग द वॉल्यूम कांस्टेंट देन वर्क डन विल बी इक्वल टू जीरो। अगला क्वेश्चन है एन आइसोलेटेड सिस्टम इज वन इन विच, आइसोलेशन सिस्टम एक कौन से प्रकार का सिस्टम होता है? इसका आंसर हो जाएगा ये नाइदर मास नॉर एनर्जी क्रॉसेस द बाउंड्रीज ऑफ द सिस्टम, जो सिस्टम होता है उसकी बाउंड्री से ना ही मास और ना ही एनर्जी क्रॉस कर सकती,
क्वेश्चन है एन आइसोलेटेड सिस्टम इज वन इन विच, आंसर हो जाएगा नाइदर मास नॉर एनर्जी क्रॉसेज द बाउंड्रीज ऑफ द सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंसेज लाइक प्रेशर टेम्परेचर एंड डेंसिटी। द थर्मोडायनामिक कोऑर्डिनेटर इज प्रॉपर्टी में अगर सब्सटेंस में देखते हैं प्रेशर टेम्परेचर और डेंसिटी में थर्मोडायनामिक कोऑर्डिनेट क्या होता है, इसका आंसर हो जाएगा पॉइंट फंक्शन में। पॉइंट फंक्शन में हमेशा प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस के बारे में जानते हैं और इसमें प्रेशर टेम्परेचर और डेंसिटी जो कि थर्मोडायनामिक्स में पढ़ते हैं तो वो पॉइंट फंक्शन में आते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंसेज लाइक प्रेशर टेम्परेचर एंड डेंसिटी एंड थर्मोडायनामिक कोऑर्डिनेट आर पॉइंट फंक्शन। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम, इसका आंसर हो जाएगा हीट। हीट एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसके बारे में हम उस क्वांटिटी नहीं अप्लाई करते। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम, इसका आंसर हो जाएगा हीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू एवोगाड्रो लॉ फॉर अ गिवन प्रेशर एंड टेम्परेचर ईच मोलिकुलर ऑफ अ गैस, एवोगाड्रो लॉ के द्वारा अनुसार अगर प्रेशर और टेम्परेचर दिया हो तो मोलिकुलर वेट क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा ये लास्ट वाला और कॉपी सेम वॉल्यूम होगा तो आंसर हो जाएगा कॉपी अ सेम वॉल्यूम। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिक्सचर ऑफ आइस एंड वाटर फॉर्म, आइस और वाटर को मिक्स किया जाता है तो वो कौन से फॉर्म में हो जाता है, इसका आंसर हो जाएगा हीटरोजीनियस सिस्टम में। जब आइस और वाटर को मिक्स किया जाता है तो वो हीटरोजीनियस सिस्टम में के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, तो मिक्सचर ऑफ आइस एंड वाटर फॉर्म अ हीटरोजीनियस सिस्टम। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ सिस्टम, प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम के बारे में किस तरीके से जानेंगे, इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, जो ऊपर के चारों दिए हुए चारों। एक सबसे पहले प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं, प्रेशर एंड टेम्परेचर के बारे में पढ़ते हैं, इंटरनल एनर्जी वॉल्यूम एंड डेंसिटी एंट्रोपी एंड एंथैल्पी के बारे में पढ़ते हैं। इस सभी के सभी जो सिस्टम में आते हैं हमारे पास किया जाएगा प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम में, इसका आंसर हो जाएगा ये ऑल ऑफ द अबव। अगला क्वेश्चन है ऑन वेट बेसिस एयर कंटेंस फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ ऑक्सीजन, वेट के बेस पे अगर देखा जाए ऑक्सीजन का जो पार्ट होता है उसमें हम क्या क्या मिलाते हैं कितना होता है, इसका आंसर हो जाएगा ये 23। ऑक्सीजन का वेट होता है वो होता है 23। ऑन वेट एंड बेसिस एयर कंटेंस फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ ऑक्सीजन, आंसर हो जाएगा 23। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द इंटेंसिव प्रॉपर्टी, इनमें से कौन सा इंटेंसिव प्रॉपर्टी में नहीं आता, इसका आंसर हो जाएगा द हीट। Which of the following is not the intensive properties? Answer is heat.